साथियों, मैंने गुजरात में रहते हुए बरसों मेरे बुनकर साथियों के साथ समय बिताया है। आज मैं जहां से सांसद हूं, काशी उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी हैंडलूम का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत होती है, इसलिए मुझे धरती की जानकारी भी रहती है। हमारे बुनकर समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है कि वो प्रोडक्ट तो बना लेता है, लेकिन उसे बेचने के लिए उन्हें सप्लाई चेन की दिक्कत आती है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है। हमारी सरकार उन्हें इस समस्या भी से भी बाहर निकाल रही है। सरकार हाथ से बने उत्पादों की मार्केटिंग भी जोर दे रही है। देश के किसी न किसी कोने में हर रोज एक मार्केटिंग एग्जीबिशन लगाई जा रही है। भारत मंडपम की तरह ही देश के अनेक शहरों में प्रदर्शनी स्थल आज निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें दैनिक भत्ते के साथ ही निशुल्क स्टॉल भी मुहैया कराया जाता है। और आज खुशी की बात है कि हमारी नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप की दुनिया के लोग भी मेरे होनहार भारत के युवा हथकरघा से बनी चीजें, हस्तशिल्प से बनी चीजें, हमारे कॉटेज इंडस्ट्री से बनी चीजें, उसके लिए अनेक नई नई टेक्निक, नई नई पैटर्न्स, उसके मार्केटिंग के नई नई व्यवस्थाएं, अनेक स्टार्टअप्स आजकल इस दुनिया में आए हैं। और इसलिए मैं उसके भविष्य को एक नयापन मिलता हुआ देख रहा हूं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हर जिले में वहां के खास उत्पादों को प्रमोट किया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशनों पर भी ऐसे उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष स्टॉल बनाए जा रहे हैं। हर जिले के, हर राज्य के हस्तशिल्प हथकरघे से बनी चीजों को प्रमोट करने के लिए सरकार एकता मॉल भी बनवा रही है। एकता मॉल में उस राज्य के हस्तकला उत्पाद एक छत के नीचे होंगे। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारे हैंडलूम सेक्टर से जुड़े भाई बहनों को होगा। आप में से किसी को अगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का अवसर मिला होगा तो वहां एक एकता मॉल बना हुआ है। हिंदुस्तान के हस्तशिल्पियों द्वारा बनी हुई देश के हर कोने की चीज वहां उपलब्ध होती है, तो टूरिस्ट वहां जो आता है तो वो एकता का अनुभव भी करता है और उसको हिंदुस्तान के जिस कोने की चीज चाहिए वहां से मिल जाती है। ऐसे एकता मॉल देश की सभी राजधानियों में बने, इस दिशा में एक प्रयास चल रहा है। हमारी इन चीजों का महत्व कितना है, मैं प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश जाता हूं तो दुनिया के महानुभावों के लिए कुछ न कुछ भेंट सौगात ले जाना होता है। मेरा बड़ा आग्रह रहता है कि आप सब साथी जो बनाते हैं उन्हीं चीजों को मैं दुनिया के लोगों को देता हूं, उनको प्रसन्न तो करते ही हैं जब उनको मैं बताता हूं मेरे फलाने इलाके के फलाने गांव के लोगों ने बनाई है, तो बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं।